तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। हम तेल को डालते हैं कढ़ाई में। तेल को हमने डाल दिया है। ये दोस्तों, अब लहसुन को डाल लेते हैं क्योंकि तेल हमारा गर्म हो चुका है। लहसुन को हमने डाल दिया है इस तरह से। और अब थोड़े से जीरे डाल लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, थोड़े से जीरे को डाल दिया हमने और खड़ा वाला गरम मसाला। तो फिर देखिए दोस्तों, खड़ा वाला गरम मसाले को भी हम इस तरह से डाल देते हैं। और अब प्याज मिर्ची को, तो फिर देखिए दोस्तों, मिर्ची को भी हम डाल देते हैं इसी तरह से। और देखिए दोस्तों, ये ली है हमने प्याज। तो फिर देखिए दोस्तों, प्याज को भी हम डाल देते हैं। और अब हम चला लेते हैं इस तरह से चम्मच से। तो देखिए दोस्तों, प्याज निकाल लेते हैं फ्राई इस तरह से। आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम फ्राई किस तरह से कर रहे हैं। और हमारे वीडियो को पूरा देखें कि आज हम किस तरह से आलू टमाटर की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। फ्राई हो चुकी है और आप डाल रहे हैं पिसा हुआ मसाला। जो हमने पिसा हुआ मसाला भूरा था उसको हम डाल रहे हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मसाले को इस तरह से चला के हम भून लेते हैं। और कटोरी में थोड़ा पानी लेते हैं इस तरह से। उसमें थोड़ा पानी और डाल लेंगे ताकि मसाला जो चिपका हुआ है वो बिल्कुल ही ना। तो फिर देखिए दोस्तों, अब डालने जा रहे हैं हम कड़ी नीम पत्ता। तो फिर देखिए दोस्तों, इस तरह से कड़ी नीम पत्ता को हम डाल देते हैं और अब मसाले को चला देते हैं इस तरह से। देखिए मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं कड़ी नीम पत्ता की। साथ में आग को भी हम जला के जाएंगे। इसी तरह से जला लेते हैं आग को। थोड़ा पानी और डालिए भूनने के लिए मसाले को, ताकि अच्छे से मसाला भून जाए हमारा। तो फिर देखिए दोस्तों, आज बनाने जा रहे हैं आलूओं की सब्जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि आलू हमने दो प्रकार के लिए हैं। ये वाले हैं पुराने आलू और ये हैं नए आलू। जो लाल लाल आलू हैं ये नए आलू हैं और ये हैं पुराने आलू। इनको बनाएंगे तो इनकी सब्जी मीठी लगती है और इनको बनाएंगे तो इनकी सब्जी बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। तो ये हैं बाजार में 60 रुपया किलो और ये हैं 40 रुपया किलो। तो आज हम 60 रुपया किलो की सब्जी बनाने जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, किस तरह से नए आलूओं की रेसिपी। तो आप लोग देखिए, हमने नए आलूओं को पहले से ही काट के रखा है। ये नए वाले आलू हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इनको हमने साफ कर लिया था, धो लिया था। और ये पुराने आलू हैं। तो आज हम इनकी रेसिपी नहीं बनाएंगे क्योंकि जो मीठे बनते हैं इनको बनाने ही, इनकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है और स्वाददार। तो फिर देखिए दोस्तों, मसाला हमारा भून गया है और अब हम टमाटरों को डाल लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, टमाटर को हमने डाल दिया है कढ़ाई में और अब हम चला लेते हैं टमाटर को इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम चला देते हैं टमाटरों को, मसाले के साथ फ्राई कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों इस तरह से हम आलू को साफ कर लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से हम आलुओं को साफ कर रहे हैं। और आलुओं को हमने साफ कर लिया है, देखिए आप लोग। और हम कढ़ाई में डाल रहे हैं, देखिए दोस्तों कढ़ाई में हम आलू को इस तरह से डाल देते हैं और हम चलाएंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से हम चला लेते हैं और आलू को फ्राई कर लेते हैं चला के, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब डालने जा रहे हैं हम आलू में पानी को। तो फिर देखिए दोस्तों आलू में पानी को हम फिर देखिए दोस्तों पानी को हमने ले लिया है और हम पानी को इस तरह से डाल देते डालेंगे हम इसमें सब्जी में। तो फिर देखिए दोस्तों सब्जी में पानी को हमने डाल लिया है और अब इस तरह से हम चला देते हैं। फिर देखिए दोस्तों अब हम डाल देते हैं सब्जी में नमक को। खड़ा हुआ हमने नमक लिया है। तो फिर देखिए दोस्तों नमक को हम डाल देते हैं। नमक को हमने डाल दिया है और हम इस तरह से चला देंगे। थोड़ी 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया। तो फिर देखिए दोस्तों यह धनिया हरी पत्ती धनिया हमारे खेतों से निकलने लगी है हरी धनिया। तो हम इसको डालते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करें और कमेंट करके हमें लिख के बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब वीडियो को करते हैं हम एंड।